हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके नाइस। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से शिक्षक भर्ती और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट कराई जाती हैं। तो इस वीडियो में भी सभी लेटेस्ट न्यूज़ हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खबर है, 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर लग सकता है ग्रहण। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक करना और उसको साइड में एक बेल आइकन आएगा, उसको जरूर क्लिक करना वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो किस प्रकार का ग्रहण लग सकता है, चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो हाईकोर्ट में उसका मामला चल रहा है, कट ऑफ अंक को लेकर और भर्ती प्रक्रिया रद्द को लेकर। तो यहाँ पर ये आचार संहिता में लोकसभा चुनाव से पहले फंस सकती है। रिकॉर्ड समय में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती पूरी करने पर पानी फिर गया है। इस भर्ती की नियुक्तियों पर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता ग्रहण लगना तय माना जा रहा है, क्योंकि अब नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने भर का समय नहीं रह गया है। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता मार्च के पहले सप्ताह में ही लागू होने की संभावना जताई जा रही है। तो मार्च के पहले सप्ताह में आचार संहिता लग सकती है और ये भर्ती आचार संहिता में फंस सकती है। वहीं भर्ती के कट ऑफ अंक मामले की सुनवाई अब हाईकोर्ट में चल रही है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती का शासन आदेश 1 दिसंबर को जारी हुआ था। 6 दिसंबर को ऑनलाइन आवेदन लेकर 6 जनवरी की लिखित परीक्षा मंडल मुख्यालय पर कराई गई थी और परीक्षा होने के तुरंत बाद इसमें कट ऑफ अंक चेंज किया गया था। 40 और 45% की कट ऑफ को हटाकर 60 और 65% का कट ऑफ लागू किया गया था, और जिसको लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो ये लेटेस्ट न्यूज़, 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की आचार संहिता में फंसने का यहाँ पर चांसेस लग रहा है, क्योंकि मार्च के पहले सप्ताह में आचार संहिता लागू हो सकती है लोकसभा चुनाव को लेकर। ठीक है, तो ये लेटेस्ट न्यूज़ थी 69,000 शिक्षक भर्ती, और इसमें कुछ खास नहीं है, और भी लेटेस्ट न्यूज़ हैं जिनको हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 8 मार्च को, ये इंटर और हाई स्कूल की परीक्षाओं को लेकर है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 2 मार्च को पूरी होने जा रही है। 8 मार्च को यूपी बोर्ड की ओर से कापियों के मूल्यांकन की तैयारी है। ठीक है, और भी लेटेस्ट न्यूज़ है यहाँ पर। आज की लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूपीपीएससी को लेकर सहायक अभियंता का इंटरव्यू 1 मार्च से, यानी साक्षात्कार 1 मार्च से स्टार्ट होंगे सहायक अभियंता की परीक्षा के। तो ये यूपीपीएससी की ओर से कार्यक्रम है, सहायक अभियंता के 819 पदों पर होनी है भर्ती। सम्मिलित राज्य अभियंता परीक्षा 2013 के तहत सहायक अभियंता एई के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 1 मार्च से शुरू होने जा रहे हैं, जो 4 अप्रैल तक चलेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने बृहस्पतिवार को इंटरव्यू का कार्यक्रम जारी कर दिया। सहायक अभियंता के 819 पदों पर भर्ती के लिए आयोग ने 2 फरवरी को मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी किया था, जिसमें 2641 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। आयोग ने अब इंटरव्यू की तिथि घोषित कर दिया है। सहायक अभियंता सिविल पदों के लिए इंटरव्यू 1 से 29 मार्च तक विभिन्न तिथियों पर आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा सहायक अभियंता मैकेनिक पदों के लिए इंटरव्यू 30 मार्च से 3 अप्रैल तक, सहायक अभियंता विद्युत और सहायक अभियंता कृषि के लिए इंटरव्यू 4 अप्रैल को होंगे। आयोग और परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम अप्रैल के अंत तक घोषित कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यूपीपीएससी को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ थी, और भी यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ है। क्या क्या लेटेस्ट न्यूज़ है वो सभी हम आपको अपडेट करा देते हैं समय से पहले। तो आप चैनल को और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यहाँ पर जो बड़ी खबर है, यूपी पुलिस को लेकर है। शिक्षक भर्ती 2018 2 चरणों में होगी, चयनित सिपाहियों का परीक्षण। नागरिक पुलिस के 23,520 रंग रूटों का परीक्षण अप्रैल, और पीएससी के 18,000 सिपाहियों का परीक्षण अक्टूबर में हो सकता है शुरू। शासन ने सिपाही भर्ती प्रक्रिया 2018 के तहत चयनित 41,520 सिपाहियों के परीक्षण की तैयारी शुरू कर दी है। 2 चरणों में होने वाली इस परीक्षण के लिए डीजीपी मुख्यालय के शासन को पत्र भेजा है। प्रशिक्षण निदेशालय ने 21,000 और 20,520 रंग रूटों का 2 चरणों में परीक्षण करने का प्रस्ताव दिया था। इस पर डीजीपी मुख्यालय ने तय किया कि 2 भागों में बांटने के बजाय पहले चरण में नागरिक पुलिस के 23,520 यानी सिविल पुलिस के और दूसरे चरण में पीएससी के 18,000 रंग रूटों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सूत्रों की माने तो यूपी पुलिस भर्ती और प्रणोन्नति बोर्ड द्वारा अंतिम सूची डीजीपी मुख्यालय को उपलब्ध कराने के बाद यहाँ से सत्यापन और मेडिकल चेकअप कराने के बाद नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इस प्रक्रिया में 1 महीने का समय लग सकता है। माना जा रहा है कि पहले चरण का प्रशिक्षण अप्रैल और दूसरे का अक्टूबर में शुरू होगा। सूत्रों के मुताबिक प्रशिक्षण के लिए दूसरे राज्यों की पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं से भी संपर्क किए जा रहे हैं, यानी कि आपका जो प्रशिक्षण होगा वह दूसरे राज्यों के पुलिस प्रशिक्षण में भी हो सकता है।
सिपाही भर्ती 2015 के 8000 रंगरूटों ने 6 राज्यों में अलग अलग फोर्स के केंद्रों पर प्रशिक्षण हासिल किया था। प्रयास है कि इस बार भी यही रंगरूटों को प्रशिक्षण कराया जाए। तो यहाँ पर ये यूपी पुलिस के जो प्रशिक्षण हैं ये अलग अलग रूटों पर कराए जाएंगे और अलग राज्यों में भी इनके प्रशिक्षण के लिए संपर्क किए जा रहे हैं। तो ये यूपी पुलिस को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ था। तो आज की ये लेटेस्ट न्यूज़ हमने आपको अपडेट करा दिए हैं, और फ्रेंड्स अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।